हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। मैं आपको चैप्टर थर्ड कंप्यूटर सब्जेक्ट क्लास थर्ड के चैप्टर वाइज एक्सप्लेन करके उसके बुक के क्वेश्चंस बता रही हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर थ्री इंट्रोडक्शन टू विंडो बेसिक्स को हम रीड करेंगे और समझेंगे। साथ ही इसमें मेन टॉपिक्स रहेगा आपका इंट्रोडक्शन टू विंडो बेसिक, स्टार्टिंग विंडो, डेस्कटॉप पार्ट्स, वॉलपेपर, आइकॉन, कर्सर, टास्कबार, गैजेट एंड शॉर्टकट बटन्स इन विंडो। ये सारे टॉपिक्स पर हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना। इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ वर्क, एवरी कंप्यूटर नीड्स सॉफ्टवेयर कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। सभी कंप्यूटर्स में, प्रत्येक कंप्यूटर्स को एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जिसे कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, विच कंट्रोल एंड मैनेज ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द कंट्रोल ऑफ द कंप्यूटर्स, जो कंप्यूटर्स के सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल और मैनेज करता है। विंडो इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम है विच कंट्रोल्स एंड मैनेज ऑल दीज एक्टिविटीज़, जो कंप्यूटर्स के सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल और मैनेज करता है। विंडो इज़ अ GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो GUI अर्थात ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम है, डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट, जिसे कि डेवलप किसने किया था, माइक्रोसॉफ्ट। बच्चों ध्यान देंगे, GUI का फुल फॉर्म यहाँ पर आ जाता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किसने किया था, तो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। बिल गेट्स, ये बिल गेट्स की फ़ोटो है, देखिए इसे भी हम पहचानेंगे। बिल गेट्स इज अ फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, डेवलप द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इन 1983। अब इसमें बच्चों ये क्वेश्चंस MCQ में साथ में हम करते जाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट वर्जन कब आया था, 1983 में, और इसके फाउंडर कौन थे, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के फाउंडर थे बिल गेट्स। चलिए स्टार्टिंग विंडो 10। व्हेन वी प्रेस द पावर बटन ऑन द कंप्यूटर इट स्टार्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे ही हम कंप्यूटर्स के पावर बटन पर क्लिक करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है। दिस प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को कंप्यूटर्स में हम क्या बोलते हैं, बूटिंग। As computer boots, we see the first screen, which is will display on the computer is called desktop. जब boots computer में होता है, उसके बाद जब पहला screen computers पर आता है और जो display होता है computer पर, उसको हम कहते हैं desktop. अब हम जानेंगे features of Windows 10। Windows 10 की क्या क्या विशेषताएँ हैं। विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम इज लॉन्च बाय ईयर 2015 बाय माइक्रोसॉफ्ट। विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम कब लॉन्च किया गया था, ईयर 2015 में, और किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। इट कम्स विद द फॉलोइंग फीचर्स। नंबर वन, इट इज अ GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम which allowed to interact with graphical picture called icon. Windows 10 क्या है, GUI based operating system है, जो हमें अनुमति देता है graphical pictures और icon को interact करने में। 2. We can search file and folder very quickly. इसमें हम बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी file and folder को search कर सकते हैं। 3. Everything is arranged under different files. सभी चीज़ को हम different files में arrange कर सकते हैं। 4. It has a task bar that show the apps that are running. इसके task bar होता है जहाँ से show होता है कि हम कौन से apps को running कर रहे हैं।
Number 5, Windows 10 allow multitasking, run two or more program together. Windows 10 मल्टीटास्किंग के लिए अनुमति देता है, मतलब एक साथ दो या दो से ज़्यादा प्रोग्राम को हम अपने सिस्टम में रन करवा सकते हैं. एंड 6, वी कैन क्रिएट मल्टीपल डेस्कटॉप इन विंडो 10. विंडो 10 में हम डेस्कटॉप पर मल्टीपल फाइल को क्रिएट कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे डेस्कटॉप कंटेन कंपोनेंट ऑफ विंडो 10. ये हमारा विंडो 10 का कंपोनेंट शो हो रहा है. देखिए बच्चों, लेट्स लर्न द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ विंडो 10, डेस्कटॉप एंड टास्क बार. ये हमारा क्या है, डेस्कटॉप, और नीचे ये जो पट्टी जा रही है इसको हम टास्क बार कहते हैं. ठीक है, तो ये नंबरिंग के हिसाब से आपका बताया गया है. अब हम यहाँ देखते हैं नंबर 1. ये क्या है नंबर 1? नंबर 1 हम पढ़ते हैं क्या है. नंबर 1, स्टार्ट बटन. द स्टार्ट मीनू इज लाइक अ रोड मैप फॉर योर कंप्यूटर. स्टार्ट मीनू किसके तरह होता है, रोड मैप की तरह होता है आपके कंप्यूटर्स में. इट लॉन्च एप्लीकेशन शट डाउन योर कंप्यूटर. इसके अंतर्गत लॉन्च किया गया है एप्लीकेशंस को, शट डाउन योर कंप्यूटर्स, एक्सेस सिस्टम सेटिंग एंड मच मोर. साथ ही इसमें विभिन्न प्रकार के सिस्टम सेटिंग रहते हैं और इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है. तो हमने ये देखा, हमारा ये है, क्या है ये, स्टार्ट मेनू. और स्टार्ट मेनू क्या होता है, लाइक रोड मैप के समान होता है. साथ ही इसमें विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च किए जाते हैं, शट डाउन ऑप्शंस रहता है और विभिन्न प्रकार के सिस्टम सेटिंग भी रहते हैं. ये जो बटन्स आप देख रहे हैं यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, ये स्टार्ट बटन होते हैं. नेक्स्ट अब हम देखेंगे नंबर 2. नंबर 2, सर्च बॉक्स. जस्ट नियर द स्टार्ट बटन द सर्च बॉक्स इज प्रेजेंट. इट अलाउ टू क्विक सर्च योर कंप्यूटर एंड द इंटरनेट एट द पॉइंट राइट फ्रॉम द टास्क बार. ये हमारा कौन सा है, ये हमारा क्या है, टास्क बार स्टार्ट मेनू के पास में है. ये क्या है, सर्चिंग बटन होता है, इसको सर्च बॉक्स कहते हैं. ये हमारा जो है, इसकी मदद से हम कोई भी फाइल कंप्यूटर में आसानी से सर्च कर सकते हैं. साथ ही इंटरनेट को भी राइट फ्रॉम टास्क बार में, इंटरनेट पर भी कुछ हम सर्च फ्रॉम कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा आ जाता है नंबर 3, टास्क व्यू एंड टाइमलाइन. द टास्क व्यू बटन अलाउ यू टू मैनेज योर वर्चुअल डेस्कटॉप एंड मूव एप्लीकेशन विंडो बिटवीन देम. टास्क व्यू बटन ये कहलाता है, जिसको ये हमें वर्चुअल डेस्कटॉप और विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन जो विंडो पर हम मूव करते हैं उन दोनों के बीच मैनेज करने की सुविधा देता है. द टाइमलाइन बटन अलाउ यू टू अगेन मैनेज योर वर्चुअल डेस्कटॉप. टाइमलाइन बटन वापस हमें ये भी अनुमति देता है वर्चुअल डेस्कटॉप को मैनेज करने के लिए, बट ऑल्सो व्यू वेबसाइट एंड फाइल्स डैट हैव बीन यूज फॉर लास्ट 30 डेज. साथ ही यहाँ से हम वेबसाइट एंड फाइल्स को भी 30 डेज तक यूज कर सकते हैं. इफ़ यू चूज टू एक्टिवेटेड इट, अगर इसको हम एक्टिवेट कर देते हैं तो इसको हम चूज कर सकते हैं. नंबर 4, पिंड ऐप. एप्लीकेशन डैट यूज कॉमनली कैन बी पिंड टू योर टास्क बार. By default, Windows has a couple of way that it pins for you. ये commonly जो है use होता है task bar में रहता है, जो default Windows में couple way में pins रहता है. Next है नंबर 5, task bar. ये हमारा task bar है. If an application is open that has not pinned to taskbar, it will show the taskbar. यदि application open है और यहाँ पर हमारा pin जो है taskbar का pinned not नहीं दिख रहा है तो it will show the taskbar. इसमें तो हम taskbar में देख सकते हैं, taskbar के सारे, taskbar में सारे option हमें दिख जाते हैं.
ये हमारा स्टार्ट मेनू है। स्टार्ट मेनू के सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिख जाते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्लास में देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे के ऑप्शंस। तो इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, और कोई भी क्यूरियोसिटी हो, जो भी आपके कमेंट्स हो, हमारे चैनल पर आकर अवश्य करें और हमें सुझाव दें कि आप और क्या चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन दबाएँ, जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।